लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। SDM के निर्देश पर खाद बीज की दुकानों का किया औचक निरीक्षण, टीम को कुछ दुकानों पर एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट भी मिले। सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील इछावर के ग्राम खेरी पहुंचे, सेवा सहकारी समिति के नए कार्यालय भवन का किया उद्घाटन, रहवासियों को दी कई सौगातें। पाली नगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। 55 साल के अधेड़ ने पोती की उम्र के समान नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। SDM के निर्देश पर खाद्य बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दुकानों का यह औचक निरीक्षण SDM अभिषेक गहलोत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कुछ दुकानों पर एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट भी मिले, जिनका मौका पंचनामा बनाकर मामला संज्ञान में लिया है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। दवाइयां दी जा रही है, अब उससे उनकी फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए SDM साहब के आदेश के अनुसार उन लोगों ने औचक कार्रवाई की। नहीं, एक्सपायरी की भी दवाइयां मिली है। हाँ, एक बालाजी एग्रो जो नौ वेराइटी की दवाइयां, क्या कार्रवाई करी सर? लाइसेंस रद्द करने संबंधी कार्रवाई की। सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील इछावर के ग्राम खेरी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सेवा सहकारी समिति के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण कर किसानों को संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने सौगात दी। बता दें कि गांव खेरी से बाराखंबा तक सड़क का निर्माण किया जाएगा और ग्राम खेरी से जामली तक की सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास और गाँव खेरी में किसानों की सिंचाई के लिए तालाब के निर्माण की बात भी कही। इसके साथ ही कालिया देव डैम से पाइपलाइन का निर्माण करवाने की बात कही। बता दें कि इन सभी मांगों को प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने हरी झंडी दे दी है, जिससे गांव वालों में खुशी की लहर छाई हुई है। इच्छावर से राम बाबू वर्मा की रिपोर्ट। इनिशियली अगर आप लिख के दिलवाएंगे या दोगे तो मैं उसकी जाँच कराऊंगा, और मतलब कब्जा करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले के लिए मेरे पास कोई इच्छा नहीं, कोई जगह नहीं उनके खिलाफ करा। अच्छा, तीसरी बात ये है कि कहीं अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाती है और छात्रों के भविष्य की बात की जाती है, तो इछावर के कॉलेज में अभी विज्ञान संकाय नहीं है, इछावर के कॉलेज में कोई टेक्निकल कॉलेज की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पाली नगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर 55 वर्षीय अधेड़ ने अपनी पोती की उम्र के समान 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती कर दी। ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले हैवान ने इंसानियत व समाज को शर्मसार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसिंहपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 झीरिया मोहल्ला में रहने वाला कलीम खान पिता इदुमिया अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना, उसके जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था कि ऐसे इंसान को तो तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। पाली से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। थाना पाली अंतर्गत दुष्कर्म की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें अभियुक्त कलीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध दर्ज करने के बाद तुरंत अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और इसमें जल्दी से जल्दी चलान पेश करके ये देखा जाएगा कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र का एक युवक मंदसौर इंडस्ट्री एरिया में चलने वाली रियल दुग्ध कंपनी के नाम गाड़ी बनवाकर उस पर उसी तरह ब्रांडिंग करवाकर उस गाड़ी का अवैध कार्य हेतु उपयोग करता था। इसकी सूचना पर मालिक ने आज उस गाड़ी को पकड़ा और अभी थाने लेकर गए हैं। गाड़ी के दुग्ध कंपनी की ब्रांडिंग इसलिए की गई ताकि दुग्ध से भरी गाड़ी बताकर पुलिस को चकमा दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। कुलदीप दुबे नाम है मेरा, मैं इरादे मिल इंटरप्राइजेस में काम करता हूँ और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हम दूध सप्लाई करते हैं और काफ़ी दिनों से हमें इस टाइप की शिकायत आ रही थी या लोग बताते थे कि कोई दूध की गाड़ी निकली लेकिन हाथ देने पर उसने दूध नहीं दिया। तो हम सोचते थे, हमारे पास फ़ोटो भी आते थे, हम सोचते थे इस टाइप की गाड़ियाँ जो हमारे पास नहीं है और इस टाइप की पेंटिंग करा के कौन चला रहा था। आज हमारे रियल दूध के जो ऑनर हैं राजेश जी,
इन्होंने उधर से निकलते वक्त गाड़ी को देखा, इस पर रियल दुग्धम लिखा हुआ है, नीचे हमारी फर्म राधे इंटरप्राइजेस मिल पूरा नहीं लिख पाया लेकिन इंटरप्राइजेस उन्होंने लिखा हुआ था जी। और जब हमने उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये गाड़ी आपकी है, तो हमने मना कर दिया गाड़ी हमारी नहीं। और इस टाइप की जो है ये फर्जी पेंटिंग करके इनमें क्या होता है ये तो जांच का विषय है, पर इस टाइप के फर्जी जो दूध का नाम का या किसी और ब्रांड का नाम का उपयोग करके जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले आपने शिकायत नहीं करी जब मालूम पड़ी आपको? नहीं, वो जब पता चला था तो एक बार पहले ऐसा हुआ था कि एक चित्तौड़गढ़ की डेयरी है सरस, उसका भी नाम का यूज़ हुआ था और इस तरह की जो न्यूज़ आ रही थी, तो लेकिन कभी ठोस हमारे को पता नहीं चला। और जैसे ही आज बिल्कुल ठोस पता चला कि इस टाइप की गाड़ी खड़ी है जो अपनी नहीं है, तो हमने उसको पता किया। मेरा जगहखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में दूध का प्लांट है रियल दूध के नाम से, जिसमें हमारी इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ चलती है दूध सप्लाई के लिए। इसमें हमने आज से 3-4 महीने पहले ऐसी गाड़ी का भी हमको फोटो आया था जो हमारी कंपनी से नहीं जुड़ी हुई है और फिर भी मार्केट में चल रही है। तो आज फिर हमको शिकायत मिली थी जिसके द्वारा हमने आज श्रीगोल्ड चौराहे पे इस गाड़ी को पकड़ा और उसमें देखा तो इसमें ना तो ये हमारी कंपनी की गाड़ी है किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी, और इसमें अंदर से खोल के देखा तो अंदर पशुओं वगैरह के सारा मतलब ये मटर वगैरह पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी से पशु वगैरह सप्लाई वगैरह करते थे। मतलब पहले भी आपको शिकायत मिली थी कि तस्करी हो रही है? 21 अप्रैल के फोटो भी पड़े हमारे पास, इस तारीख में हमको भी शिकायत आई थी, हमने इसकी सूचना हमने यातायात प्रभारी मतलब यातायात थाने में भी देखी थी कि भाई इस तरह की गाड़ी घूम रही है हमारे उसमें नहीं है कंपनी में। तो यातायात विभाग कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं। नहीं पता कि ले जाया जाता है, लेकिन स्कीम में बनी हुई गाड़ी है, ऊपर से खुला हुआ, इससे ऐसा लगता है कि कोई लाइव स्टॉक ही लिया जाता है, लेके जाता है जी। अब क्या कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर? अब इसके खिलाफ है ना, जो भी कानूनी कार्रवाई 420 और अन्य धारा जो भी हो सकती है लगेगी। कौन सी कंपनी का दूध सप्लाई होता था ये तो पता ही नहीं हमें, खाली ऊपर लिखा हुआ रियल दुग्धम, बाकी दूध होता कि नहीं होता है हमें पता नहीं। अभी तक क्या मालूम चल पाया आपको? ये लग रहा है कि वो स्कीम में बनी है, शायद लाइव स्टॉक ले जाया जाता है वहाँ पे। तो नहीं, ये तो अभी जब तक कोई है ना एविडेंस सामने नहीं आएगा, जब तक फोटोग्राफ्स भी है यदि हैं तो गाड़ी के हैं, मवेशी ले जाते हुए नहीं है। हम ना इसकी जांच करेंगे और जो भी मवेशी ले जाता था उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे यदि ऐसा है तो। रायसेन में आज राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से शुरू हुई रैली रायसेन खेल स्टेडियम पर समाप्त हुई। राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में रायसेन के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से रायसेन स्टेडियम तक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और जिम्मेदार अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और रायसेन पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला ने स्थानीय कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इसके बाद सद्भावना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सद्भावना रैली में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं सद्भावना के साथ रहने का वचन लिया। आज ऐसा पहली बार देखा गया। इस सद्भावना रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह को अधिकारियों के रैली में प्रथम स्थान मिला तो CMO नगर पालिका ओमपाल सिंह भदौरिया ने और पत्रकार तिलक शाक्या को तीसरा स्थान मिला। वहीं महिला कैटेगरी में सुश्री प्रियंका मेमरोट को प्रथम स्थान मिला। वहीं बच्चों की अगर बात की जाए तो इसमें शुभम लोधी प्रथम, आयुष कुशवा को दूसरा और जय शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के याद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को भाईचारे और पूरे देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उनको एक सद्भावना की शपथ दिलाई जाती है। आज वही एक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के सारे बच्चों को और हम सभी ने एक सद्भावना की शपथ यहाँ पर ली हुई है। नगर पालिका पाली द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। नगर पालिका अधिकारी आबा त्रिपाठी ने बताया कि हमें शासन द्वारा आदेश प्राप्त हुए थे कि पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसी तारतम्य में आज उत्कृष्ट बालक उच्चतर विद्यालय पाली व कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली में वृक्षारोपण किया गया। दोनों विद्यालयों में फलदार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर नगर पालिका अधिकारी आबा त्रिपाठी, कन्या प्राचार्य कमलेश सिंघई, उत्कृष्ट प्राचार्य विनोद पांडे और स्कूलों के शिक्षक व छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया।
इसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि आज जो सोशल मीडिया का हम उपयोग कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। वृक्षारोपण के बाद सामूहिक शपथ ग्रहण की गई। वहीं नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि हमारे द्वारा 2 महीनों में 500 वृक्ष का वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पाली से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। ये पहले से भी हमारे विभाग द्वारा और शासन द्वारा चल रहा है। 2 तरह के अभियान चलाए गए हैं। एक हमारे विभाग ने जल शक्ति अभियान करके चलाया है। घटते भूजल स्तर और वर्षा के स्तर में होती कमी को देखते हुए हमारे विभाग ने जल शक्ति अभियान चलाया है। और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने बृहद प्लांटेशन को लेके प्रोजेक्ट पुनर्नवा लॉन्च किया था। उसके तहत पूरे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बड़ी मात्रा में पेड़ लगाए जाने थे। आज ये एक उपयुक्त अवसर था। शासन से सद्भावना दिवस, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, इसको सेलिब्रेट करने का निर्देश था। इसके तहत मैराथन दौड़, वृक्षारोपण, सद्भावना शपथ, ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। इसी के तारतम्य में उत्कृष्ट विद्यालय और कन्या विद्यालय जो हमारे वार्ड क्रमांक 5 में स्थित हैं, तो उनमें सद्भावना शपथ और वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर पालिका के सौजन्य से आयोजित किया गया था। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।